तो भाई लोग फिर से आ गए हम एक और बेहतरीन एकदम नेक्स्ट लेवल वाली सिटी स्काईलाइन की गेम प्ले वीडियो में। और भाई लोग यार पिछले वाली वीडियो में हमने एकदम नाश हो जाता था पूरे शहर का, ठीक है, अपना शहर जो है एकदम कजा खत्म हो जाता था सिस्टम, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो भाई लोग उसके बाद यार कई सारी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल की सिटी स्काईलाइन की, और अब तो भाई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ तकड़ा ही करूंगा, है ना। और तुम लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना एकदम बढ़िया करके। ओए भाई लोग यार अभी मुझे थोड़ा सा जुकाम भी हो रखा है, ठीक है, तो आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो चला लेना, है ना। ठीक है भाई लोग, तो अभी के लिए हमने सड़कें बना दी है और जोनिंग हमने कुछ इस तरीके से करी है। ये बीच में एक सड़क जा रही है, ये मतलब बीच में नहीं है, है तो साइड में, लेकिन एक तरह से हम इसे सेंट्रल मान रहे हैं क्योंकि बाहर से हाईवे इसी सड़क के थ्रू आ रहा है हमारी अंदर यहाँ पे शहर में, ठीक है। तो ये मेन सड़क होगी, ये यहाँ से क्या कहते हैं आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कमर्शियल जोन बनाएंगे सड़क के साइड साइड में, ठीक है। और यहाँ से शुरू होगी रेजिडेंशियल जोन, यहाँ से यहाँ 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 तक यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनेगी पूरे में। वो इंडस्ट्रियल जोन जो है वो तो आगे ऐसे ऐसे एक्सपेंड करेगी, जो रेजिडेंशियल जोन है वो ऐसे ऐसे एक्सपेंड करेगी, है ना। और जो कमर्शियल जोन है वो इसकी साइड साइड में पूरी बनेगी, इस सड़क की साइड साइड में। और रही बात इस इलाके की, तो भाई इस इलाके में मैं ऐसा कुछ करूँगा ना तुम बौखला जाओगे देख के। भाई यूट्यूब से बड़ी सही चीज़ सीखी है मैंने, ठीक है, तो उसे करूँगा इस इलाके में ट्राई। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जोनिंग करते हैं थोड़ी सी। और अभी क्या है यहाँ पे खाली रेजिडेंशियल जोन की डिमांड आ रही है, तो अभी रेजिडेंशियल जोन ही थोड़ी सी अलाउट करते हैं जिससे कि जमीन की कीमत बढ़ी रहे डिमांड सप्लाई की वजह से। भाई कोल पावर प्लांट को लगा देता हूँ मैं इंडस्ट्री के एकदम पीछे वाले इलाके में, रेजिडेंशियल एरिया में इसे नहीं लगाने का क्योंकि भाई यहाँ क्या कहते हैं ये फिर पॉल्यूशन करेगा। ये है भाई अपना कोल पावर प्लांट, ठीक है, यहाँ से ये बिजली की लाइन होते 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 आगे जा रही है रेजिडेंशियल एरिया के पार, ये रेजिडेंशियल एरिया की सड़क आ गई और यहाँ पे वाटर पंपिंग और ड्रेनेज स्टेशन में जाके मिल रही है। भाई अभी क्या है इंडस्ट्रियल एरिया तक पानी नहीं पहुँच पाया, लेकिन हम अभी इंडस्ट्रियल जोनिंग भी नहीं कर रहे तो अभी कोई प्रॉब्लम वॉब्लम की बात है नहीं ऐसी, है ना। यहाँ तक कमर्शियल एरिया तक थोड़ा सा पानी पहुँच गया, इंडस्ट्रियल तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारे पास पैसे खत्म हो गए और हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी शहर की जिससे कि जल्दी से यहाँ घर बने और हम और जोन यहाँ पे बना पाए। वही देखो भाई घर बनने शुरू हो गए एकदम तेज स्पीड से, ये एक और घर बन के तैयार हो गया, यहाँ पे लोग भी रहने लग गए। और भाई हमने थोड़ी सी जोन इसलिए दी थी रेजिडेंशियल वालों को जिससे कि मतलब एक जितनी डिमांड हो उतनी हम जोन सप्लाई करें, तो यहाँ क्या है जमीन की कीमत बढ़ी रहेगी और यहाँ लोग जल्दी से अपना घर ही छोड़ के जाने के और टैक्स भी हमें अच्छा मिलता रहेगा। तो भाई अभी हम जो है लॉस में चले गए और यहाँ पे हमें फटाफट थोड़ा सा टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा तकड़ा वाला नुकसान हो जाएगा। भाई अभी से बेल आउट का ऑफर आने लग गया हमारे पास, भाई 9-12% कर दिया हमने टैक्स, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। रेजिडेंशियल जोन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी हमें पहले डेब्ट के बाहर आना है जब भी हम कुछ सर्विसेज वगैरह यहाँ पे स्टार्ट करके और सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अभी हमने क्या है सारे में पानी की फैसिलिटी पहुँचा दी, अभी बस यहीं यहीं तक थी तो अभी हमने यहाँ भी पहुँचा दी पानी की फैसिलिटी, यहाँ पूरे इंडस्ट्रियल जोन में, ये पूरी कमर्शियल जोन में भी पानी पहुँच गया और रेजिडेंशियल में भी एंड तक पहुँचा ही देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे पूरा क्वाड्रिलेटरल सा हो गया, अब यहाँ से ऐसे ऐसे करके पानी की लाइन चल जाएंगी। और अभी जो है हम सड़क बनाने पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना, क्योंकि हमें रेजिडेंशियल जोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन की, और सड़क हमारे पास है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है भाई लोग। तो हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन को वो जगह दे दी है और यहाँ पे लोगों ने बसना भी शुरू कर दिया, ठीक है। वर्दी विलेज एक बढ़िया गाँव बन चुका है अपना, और हमें यहाँ रेजिडेंशियल एरिया के पास से इंडस्ट्रीज़ को हटा के पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पीछे की साइड पे थोड़ी सी इंडस्ट्रियल जोनिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से हटाते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स को। तो भाई अभी शहर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रखी है, लोग बीमार भी हैं और क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा एक हॉस्पिटल के ऊपर, मतलब एक क्लिनिक, ठीक है। हमने एक छोटा सा टाउन बना लिया है, टाइनी टाउन, लेवल 3 पार हो चुका है भाई अपना। पहला था हेमलेट, दूसरा था वर्दी विलेज, तीसरा अब टाइनी टाउन, और शुरुआत बैंकक्रप्सी से हुई, लेकिन भाई आगे कुछ तगड़ा करेंगे, है ना। और क्राइम रेट ज़्यादा है तो पुलिस स्टेशन लगा देते हैं, सेटअप कर देते हैं, ठीक है भाई। अभी हमने फायर स्टेशन भी लगा दिया क्योंकि शहर में आग लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, इंडस्ट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है खास, बस एक जगह पर आग लग रखी है। अभी भाई यहाँ पे एक दो घर भी लोग छोड़ के चले गए तो उनके घर छुड़वा देते हैं, इनके भाई घर छोड़ने से क्या है जमीन की कीमत कम हो रही है। तो भाई अभी हमें क्या है एक छोटा सा पार्क भी बनवाना पड़ेगा क्योंकि लोग कुछ ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो पार्क में जाके अपनी हेल्थ वगैरह ठीक कर सकते हैं, ठीक है भाई। बूम टाउन हमने एक थोड़ा बड़ा सा टाउन बना लिया है अभी, और यहाँ पे भाई इंडस्ट्रियल जोन है पूरा, इंडस्ट्री हो रखी है काफ़ी सारी। ये आ गया पूरा कमर्शियल जोन, यहाँ पे मस्त दुकान, इधर दुकान, इधर दुकान, चारों तरफ दुकान। यहाँ क्या कहते हैं ये आगे भाई अपनी रेजिडेंशियल जोन,
और काफी ज्यादा बिजी हो रखा है अपना टाउन। तो भाई लोग अभी हमने शहर के अंदर थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, सर्विसेज ढंग से काम नहीं कर पाई थी भाई, सामान क्या कहते हैं बाहर से अंदर नहीं आ पाया था, अंदर से बाहर नहीं जा पाया था। तो भाई हमने क्या करा, यहाँ पे रेजिडेंशियल वगैरह एरिया में तो सारी सड़क ऐसी रहती जैसी थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, ये जो अपना कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे मतलब क्या है मेन रोड आ रही है, तो इस मेन रोड को हमने यहाँ से जहाँ से मेन शहर शुरू हो रहा है, इससे पहले तो भाई खाली इलाका है पूरा, यहाँ शहर शुरू हो रहा है, तो हमने क्या करा यहाँ पे भाई पूरा यहाँ तक लंबा दो लेन का हाईवे निकाल दिया, 6 लेन हाईवे दो निकाल दिए, एक इधर जो इधर वाला हाईवे है ये तो कनेक्ट होगा भाई रेजिडेंशियल जोन से, ठीक है, इसकी सारी गलियाँ जो है रेजिडेंशियल जोन में जाकर मिल जाएंगी, है ना, जैसे भी कनेक्ट हो रखा है। और ये जो आगे वाला हाईवे है, ये जो हाईवे है ये यहीं तक जाएगा जहाँ तक रेजिडेंशियल जोन एक्सपेंड होगी, उसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा टर्न आ जाएगा जिससे कि इस वाले हाईवे से इस हाईवे तक जा सके जिसे जाना हो, और उसके बाद में हो जाएगा ये वाला हाईवे शुरू, ये दूसरा 6 लेन हाईवे, ये भी बाहर से आ रहा है पूरा, इसके पैरेलल पैरेलल चल के, लेकिन ये क्या है, ये जाएगा सीधा पीछे की साइड पे इंडस्ट्रियल जोन में, इंडस्ट्रियल जोन में जाके क्या है भाई, ये अपना जो जिसे भी इंडस्ट्रियल काम होगा मतलब जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह होंगे वो सब इस हाईवे के थ्रू आ जाएंगे, तो क्या है आम लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी ज़्यादा, और जिसे इंडस्ट्रियल जोन से रेजिडेंशियल की तरफ या रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल की तरफ जाना हो, हाईवे शिफ्ट करना हो कोई सा भी, तो वो क्या कर सकता है भाई, ये एक छोटी सी जगह है यहाँ से अपना जा सकता है। और भाई हाईवे कंस्ट्रक्ट करने की वजह से यहाँ पर जितनी भी कमर्शियल जोन थी ये भी सारी बर्बाद होगी, मतलब जितनी दुकान वकान थी सारी टूट गई हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के कारण, तो अभी क्या है हमने थोड़ी सी और कमर्शियल जोन जो है बना दी यहाँ पे, जिससे कि जिन लोगों की दुकान टूटी थी वो वापसी से अपनी दुकान बना सकें। और अब देखो भाई कितनी स्पीड से गाड़ियाँ जा पा रही हैं, ये देखो भाई बिल्कुल जाम वाम का सीन नहीं है ज़्यादा, जो इंडस्ट्रियल जोन की गाड़ियाँ सीधी वहाँ जा रही हैं लास्ट में इंडस्ट्रियल जोन में, यहाँ उन्हें रुकना नहीं पड़ रहा है रेजिडेंशियल के आसपास, और रेजिडेंशियल से रिलेटेड जो गाड़ियाँ हैं वो यहीं आ रही हैं सीधी। अभी कमर्शियल जोन भी पूरी एक्सपेंड हो चुकी है अच्छे से, दुकानें वुकानें बनाई लोगों ने, भाई जो भी अपने घर छोड़ के भागे निकलो यहाँ से, सबकी फैक्ट्री टूटेगी जो भी अपनी फैक्ट्री छोड़ के भागे साले, भाई ये लोग जो हैं फैक्ट्री छोड़ के भागने वाले जब इनकी कीमत कम कर देते हैं तो इनकी सारी फैक्ट्रियाँ तोड़ दूंगा मैं, यहाँ जब वापसी आके देखेंगे ना, अब भाई पुरानी प्रॉब्लम थी ना थोड़ी सी, ठीक है वो सॉल्व हो ही गई, तो अब जब ये लोग वापस आके देखेंगे अपनी फैक्ट्री तो देखेंगे टूट रखी है, जब इन्हें पता लगेगा कि भाई छोड़ के नहीं भागनी चाहिए ऐसे फैक्ट्री इतनी जल्दी। मतलब जो नई रेजिडेंशियल जोन है वो 4 लेन रोड पे बनाने वाला हूँ जिससे कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, जितनी पुरानी जोन है वो 2 लेन पे है होने दो, नई वाली 4 लेन पे बना देंगे रेजिडेंशियल जोन। भाई रेजिडेंशियल जोन में क्या है, कचरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ पूरी की पूरी रेजिडेंशियल जोन को पीछे से सड़क के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। अब क्या भाई सर्विसेज थोड़ी सी ज़्यादा सही तरीके से काम कर पाएंगे, अगर किसी को भाई यहाँ से यहाँ सामने की तरफ ज़्यादा कंजेशन हो रखा है तो कोई यहाँ से नहीं भी जा पाएगा, तो क्या है यहाँ से पीछे से होकर यहाँ से चला जाएगा कचरा वचरा उठाने के लिए कोई सर्विस जैसे होगी। तो भाई लोग अभी हमने अपने शहर में कुछ नई कानून भी लगाए हैं पानी और बिजली के ऊपर, हमने बिल लगा दिया तक सब फ्री की चलाए थे, ठीक है, ऊपर से हमने रिसाइकलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है जिससे जो कूड़ा है वो कम इकट्ठा हो, उसके साथ में हमने कानून व्यवस्था को भी थोड़ा सा सुधार दिया है जिससे कि यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आना ज़्यादा पसंद करें और लैंड की वैल्यू थोड़ी सी बढ़े, साथ ही साथ में हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमर्शियल जोनिंग भी कर दी है यहाँ पे, क्या कहते हैं भाई पूरी दुकान दुकान बन रखी हो और भाई काफ़ी सही लग रही है यार दुकान तो है एकदम मस्त सी है सर, नाइस भाई 6 लेन रोड भी भाई क्या मस्त लग रही है, ऐसी स्ट्रीट लाइट भाई वाइट वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है इन येलो स्ट्रीट लाइट से जो कि 4-way रोड के ऊपर है, ये 4 लेन रोड है, यहाँ पे येलो स्ट्रीट लाइट है भाई, वाइट वाली स्ट्रीट लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है, जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, ठीक है, क्योंकि यहीं से रेजिडेंशियल एरिया की मेन एंट्रेंस थी, तो हमने यहाँ से ट्रैफिक कम करने के लिए क्या करा यहाँ पे पीछे एक 4 लेन रोड बना दी यहाँ पे, तो अब क्या यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या करा एक और पीछे 4 लेन रोड बनाई है इसके यहाँ पे, और ये 4 लेन रोड क्या है भाई सीधी जाए कनेक्ट होती है इस राउंड अबाउट से, राउंड अबाउट भाई वो तुम्हें पता ही होगा, ऐसे मान लो हम ऐसे आए जूम करके तो ऐसे घूम घूम के जब हम यहाँ जा सकते हैं, तो इससे क्या है ट्रैफिक जाम नहीं लगता भाई, गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने नहीं आगे पड़ती, तो इससे क्या है भाई यहाँ पे आसानी से पीछे तक सर्विसेज पहुँच सकती हैं, जो भी मतलब कोई सर्विस से रिलेटेड गाड़ी होगी यहाँ आएगी और फिर यहाँ से होके इधर पहुँच जाएगी पीछे वाले इलाके में, तो अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन लोगों को गार्बेज वगैरह की, गार्बेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती किसी पर्टिकुलर इलाके तक, तो वहाँ पे क्या है गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ट्रैफिक सुधरता है या नहीं।
ठीक है भाई, अगला लेवल पार हो गया अपना बिजी टाउन। ठीक है भाई लोग, तो पूरे के पूरे शहर में पानी का जाल फैल चुका है, यहाँ से यहाँ तक भाई सारे पानी पानी की सप्लाई हो चुकी है चालू एकदम। हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करीब करीब 7,500 लोगों को बसाना है अपने शहर में, फिर आएगा मज़ा। फिर तुम्हें कैसी चीज़ दिखाऊंगा ना भाई पैसा बनाने की, तुम कहोगे ये क्या है भाई, मतलब मज़ा आ गया, ऐसा ऐसी चीज़ दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है भाई लोग, तो अभी इस वाले इलाके में पावर की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में जो पावर लाइन आती है वो कट गई, वहाँ से दूसरी साइड से वहाँ पे लैंडफिल बन गई, तो लैंडफिल के ऊपर से हो गया पावर लाइन नहीं आ पा रही। ये लैंडफिल है, यहाँ तक पावर लाइन आ पा रही है, मतलब जा रही यहाँ से पावर लाइन है ना, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पा रही, तो हमें आगे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इस लैंडफिल को हटाना पड़ेगा। इसी जगह पे हमने एक और लैंडफिल बना दी, एक लैंडफिल ये थी, एक इसकी बाजू में हमने इसकी जो जो पीछे लैंडफिल भर गई थी उसे पूरा करने के लिए बनाई थी, और एक लैंडफिल ये हमने नई बना दी इसकी जगह पे। ठीक है भाई, अब हमने कर लिया 7,500 की पॉपुलेशन टच। अब मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊँगा भाई, दिखाऊँगा मतलब प्रैक्टिकली करके, कि भाई पैसा ही पैसा होगा अपने पास भर के, ठीक है, क्योंकि अपने पास आ चुकी है अब एक ख़तरनाक चीज़, और वो मैं तुम्हें भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं जो अभी टाइम पॉज कर देता हूँ, और टाइम पॉज करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ करूँगा मैं वो है टैक्सीज को फुल करना। वो स्पीड हमने फुल कर दिया, टैक्सीज भी फुल हो चुके हैं अभी, और अपना भाई जो कर्जा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाना चाहिए। तो इस टाइम भाई हम अपने कर्जे के बाहर आ चुके हैं, 65,000 डॉलर हमारे पास वैसे भी हैं कैश में, और अब हम करने वाले हैं एक तकड़ी चीज़। तो भाई अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे 6 लेन रोड थोड़ी सी एक्सटेंड करके छोड़ दी है, और यहाँ पे इस जगह पे इस ये जो भासे मेन रोड आई थी इसे कनेक्ट कर दिया है, इसका यूज़ करके इस टोल से। ये है भाई टोल, यहाँ पे लोग भाई पैसे देंगे हमें यहाँ पे शहर के अंदर एंटर होने के लिए। यार एक और चीज़ करनी पड़ेगी मुझे, बिजली पानी में पहुँचाना पड़ेगा यहाँ तक टोल तक, तब ये काम कर पाएगा भाई। इतनी दिक्कत है ना जरा सी चीज़ करने के लिए, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो भाई हमने इस टोल तक पानी और बिजली पहुँचा दी है, ठीक है, तो अभी इसे सही से काम करना चाहिए। और हमने टैक्सेस जो है वापस से कम कर दिए हैं भाई, जो बहुत ज़्यादा टैक्स हमने बढ़ा दिया था वापस से हमने कम कर दिया नॉर्मल पे। हमें बिजली क्या है यार भाई, बिल्कुल इसके जस्ट पास तक है बिजली, ये देखो यहाँ सारे में बिजली है, यहाँ इस भाई जस्ट यहाँ पे है टावर, और क्या चाहिए। थोड़े से लॉस में चले गए थे हम, लेकिन अभी रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, यहाँ पे जो अबेंडेंट घर थे वो भी वापस से भरने शुरू हो गए, लेकिन यार टोल बूथ का ही समझ में आ रहा है क्या सीन है भाई, क्यों नहीं चल के दे रहा है ये। तो भाई लोग आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, और भाई हमने काफ़ी तगड़ा शहर बना दिया इस वाली वीडियो में, ठीक है, और अभी क्या कहते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रखी है शहर के अंदर। ठीक है, एक तो हमारे पास पैसे काफ़ी कम बचे हैं, और मैं एक मास्टर प्लान था पैसे बनाने के लिए, लेकिन अभी वो भी थोड़ा सा फेल सा होता दिख रहा है। कि मेरा प्लान ये था कि मैं क्या भाई बहुत सारे टोल बूथ बना दूंगा, और जो मेन शहर के आगे जगह बच छोड़ रखी थी मैंने उसे पूरे भाई ऐसे लूप लूप लगा के टोल बूथ बना दूंगा, और भाई जैसे जैसे गाड़ी आएगी भाई एक टोल बूथ, दो टोल बूथ, तीन टोल बूथ, चार टोल बूथ, भाई शहर के अंदर घुसने से पहले भाई 70 टोल बूथ पार कर लेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, मुझे काफ़ी तकड़ा टैक्स मिलेगा उन टोल बूथ से, और भाई मैं क्या है जो भी कंस्ट्रक्शन करनी होगी शहर में, भाई कोई कहेगा कि भाई हमारा क्या कहते हैं कूड़ा उठवाओ, मैं कूड़ा उठवाऊंगा, जो करना होगा करवाऊंगा मैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहने की मुझे, और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहने की। लोग कहेंगे टैक्स कम कर तो मैं करूँगा, कोई टेंशन नहीं है, कर दिया कम, है ना, इतना तकड़ा सिस्टम हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि भाई टोल बूथ तक पावर ही नहीं पहुँची, पता नहीं क्यों नहीं पहुँची, ठीक है, क्या दिक्कत है अभी। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा टैक्स और भाई एक्सपेंसिस को मैनेज कर कुरा के अपना फ़ायदा बनाना शुरू कर दिया। अभी हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, नियर अबाउट $2,000, और हमारा जो गवर्नमेंट का बिजनेस है वो थोड़ा सा फ़ायदे में जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा फायदा नहीं है, थोड़ा सा ही फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदे में है भाई, पॉजिटिव साइड है। और साथ ही साथ लोग भी हमारे शहर में थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन क्या है लोग अभी बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम थोड़ी सी सोल्व हो रही है भाई। एकदम से लोग भागना शुरू कर दिया था जैसे हमने टैक्स बढ़ाया था बिल्डिंग छोड़ छोड़ के, तो हमने अब टैक्स थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया, तो वो भी वापसी से आ रहे हैं। लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम क्या है भाई टोल सब लगाने वाले हैं और बहुत सारे, जैसे जैसे अपने पास पैसा आता जाएगा, और भाई एकदम से जो टोल का पैसा आएगा उसे भी टोल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और भाई हमने क्या है सारे सारे टोल्स को ऑटोमेट भी कर दिया, मतलब फास्टैग लगा दिया सारे टोल्स के ऊपर, तो अभी ऐसी गाड़ी भाई सीधी चलती जाएंगी, रुकना नहीं पड़ेगा हमें टोल देने के लिए। और जो आगे की चीज़ है भाई टोल वोल बनाना, ये सब कुछ हम करेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। 7,500 की पॉपुलेशन हमारी जरूरी थी इस चीज़ को करने के लिए, जो कि हमने अचीव करी है इतनी मुश्किल से, है ना,
और नई शहर शुरू किया था आज हमने, और उसमें 7,500 की पॉपुलेशन भी अचीव कर ली, और अभी के लिए तो स्टेबल है शहर, है ना। और आगे तो और स्टेबल ही होगा क्योंकि मैंने एक नया तरीका निकाला है इनकम का, और मैं थोड़ी सी वो आगे वीडियो कंटिन्यू करता, लेकिन भाई सही बता रहा हूँ अभी रात हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं टाइम देखता हूँ क्या हो रखा है। भाई 1:12 हो रखे हैं और मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, थक रहा हूँ मैं अभी, तो आगे की वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं ना। अभी क्या है, सोने जाता हूँ मैं, तुम लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। अगली वीडियो में भाई तबाही मचा देंगे।